हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और सही सलामत है, आपका परिवार सब खुशहाल है। तो आप सबके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट में सैंपल के तौर पे लेकर आया हूं, नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको 1 बेडरूम हॉल किचन और 2 बेडरूम हॉल किचन आपको मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वसई ईस्ट में वालिव में है और आपको वहाँ स्टेशन के पास से आराम से आपको रिक्शा मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट को लग के ही ये काफ़ी बड़ा रोड है, कम से कम ये 40 फीट का रोड है, कम से कम आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रोड है। और यहाँ पर पास में थोड़े से दूरी पर इंडस्ट्रियल है, एरिया है काफ़ी बड़ा। और जो प्रोजेक्ट है जो पीछे चल रहा है हमारा मरियम हेरिटेज, इसका ऑलमोस्ट कुछ स्लैब कंप्लीट हो चुका है, 5th-6th फ्लोर तक स्लैब कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और आगे मैं आपको सैंपल जो अंदर का फ्लैट्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दोनों कम्युनिटी दोनों या जितना भी कम्युनिटी है वो लोग यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं, हर कम्युनिटी अलाउड है। और बाकी हर फैसिलिटी है यहाँ पर, वाटर और लाइट वगैरह का हर चीज़ का फैसिलिटी एकदम प्रॉपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन रोड है, आइए मैं आपको आगे अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया है और बजट में भी अवेलेबल है। हाय दोस्तों, मैं हूँ सूरज शर्मा। आज मैं आपके लिए यूनिक फ्लैट लेकर आया हूँ अपने चैनल में। कॉन्सेप्ट यूनिक है। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ये लिफ्ट है, सर्विस लिफ्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाजू में ये उसके सामने पैसेंजर लिफ्ट अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट में 2 लिफ्ट है, एक दूसरे के सामने है। ये पैसेंजर लिफ्ट है और उसके बाद ये रहा सर्विस लिफ्ट है, जो जहाँ पर काम करने वाले लोग या तो सामान लेके आप इस लिफ्ट से आ जा सकते हो। और जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी इस वक्त, ये 1 बेडरूम हॉल किचन का 2 जॉइंट रूम है। इस फ्लैट में 1 बेडरूम हॉल किचन का जो 2 जॉइंट रूम है जिसके अंदर हॉल कॉमन है, जैसे कि हम लोग 1 बेडरूम हॉल किचन देखते हैं, हॉल होता है, एक बेडरूम होता है, किचन होता है और टॉयलेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हॉल कॉमन रहेगा, बाकी दोनों में अपना क्या बोलते हैं उसको, बेडरूम अलग अलग रहेगा और टॉयलेट बाथरूम जो कॉमन रहता है वो भी अलग अलग रहेगा। और साथ में प्लस ये है कि बेडरूम के अंदर
मास्टर टॉयलेट दिया गया है। वन बेडरूम हॉल किचन में भी इस प्रोजेक्ट में मास्टर टॉयलेट दिया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, ये अपना सोसाइटी के अंदर का पैसेज है। ये फ्लोर पे, कोई भी फ्लोर पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर हो, सब में सेम रहेगा। आप ये मेरे पीछे का पैसेज देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर पैसेज के अंदर यहाँ पर ये लिफ्ट है, जैसा मैंने पहले बताया था, पैसेंजर लिफ्ट। फिर यहाँ पर अलग अलग है सर्विस लिफ्ट। फिर उसके बाद में इस पैसेज में ये वायर का जगह है, जहाँ से डक स्पेस बोलते हैं इसको, डक स्पेस, जहाँ से सारा वायर जाएगा। और ये इमरजेंसी स्टेयर्स केस भी इसमें दिया गया है, एक्स्ट्रा है। और स्टेयर्स केस है जो नॉर्मल स्टेयर्स केस है, ठीक है। जरा और दो स्टेयर्स केस है टोटल, और दो लिफ्ट है। और बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब दो स्टेयर्स केस, दो लिफ्ट। तो आइए हम जो इस फ्लैट में जो यूनिक चीज़ है, जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत किया था बताना आपको, कि वन बेडरूम हॉल किचन का दोनों इसमें जॉइंट है, आप देख सकते हैं। जॉइंट मिलने की वजह से इसका एंट्रेंस कॉमन है। आप देख सकते हैं ये रहा एंट्रेंस कॉमन है। और यहाँ पर ये एंट्रेंस से आपको आपका जो पेपर है स्क्वायर फीट के हिसाब से, ये एंट्रेंस का भी आपके पेपर में ऐड होके मिलेगा। सोसाइटी का इस एंट्रेंस से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। कोई आप यहाँ पर अपना ऊपर गेट लगा सकते हैं एंट्रेंस का, यहाँ पर आप आपका गेट लगाइए, ठीक है। ये दोनों कॉमन पैसेज है दोनों के लिए एंट्रेंस के लिए। अब हम लोग आ गए कॉमन हॉल में, जो टू बेडरूम हॉल किचन, सॉरी वन बेडरूम हॉल किचन का है। दो वन बेडरूम हॉल किचन मिलाकर ये एक बड़ा हॉल और दो बेडरूम और किचन, दो अलग अलग टॉयलेट बाथरूम, दो अलग अलग, प्लस बेडरूम के अंदर मास्टर टॉयलेट बाथरूम होगा। जो जॉइंट फैमिली है साथ में रह के भी थोड़ा थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली है लेकिन उनको किचन अलग चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अलग चाहिए, लेकिन हॉल उनको कॉमन चाहिए, उनके लिए ये रूम काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। अभी ये काम अंडर कंस्ट्रक्शन में चालू है। अगर जो लोग कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक करते हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है। मतलब अभी का जो रेट है वो है, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रेट में चेंजेस आ जाएगा, मतलब रेट बढ़ सकता है। ये पीछे आपने हॉल देखा, हॉल में आपको, हॉल ख़त्म होने के बाद आपको बालकनी मिल जाता है यहाँ पर। आप चाहे तो इस बालकनी को कवर करके इसको भी टोटल हॉल में आप इंक्लूड कर सकते हो। हॉल में आपको दूसरा बालकनी भी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम है, और मेरे पीछे यहाँ पर भी एक बेडरूम है। एक फैमिली में अगर दो भाई लोग हैं और वो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको बेडरूम दो अलग अलग मिलेगा और अलग अलग भी रहेगा, लेकिन हॉल के वजह से दोनों कॉमन भी रहेगा। आइए हम लोग एक जो रूम है, जो कॉमन हॉल कॉमन होने के बाद जो यहाँ पर जो किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग हॉल से यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, जो कि कॉमन है। अभी इसमें टाइल फिक्स किया है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि टाइल्स लगा के लोगों ने ऐसे से पत्थर वित्तर रखा हुआ है इसमें, और जब ये रेडी हो जाएगा तो तभी भी मैं इसका वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है। ये रहा हमने देखा टॉयलेट बाथरूम। फिर हम लोग ऐसा अंदर आते हैं, फिर हम लोग को लेफ्ट साइड में मिलेगा किचन। इसका साइज, किचन का साइज और अपना टॉयलेट बाथरूम का साइज, इस सब का हमारे पास बुकलेट है, मैं आपको भेज दूंगा अगर आपको साइज जानना है कि कितना साइज है यहाँ पर।
अभी काम बाकी है इसमें। और ये रहा अपना गैलरी किचन के अंदर, किचन में भी गैलरी दिया गया है। किचन में गैलरी है और विंडो काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो टॉयलेट बाथरूम जो यहाँ पर है, इसका ऊपर पानी का टाकी लगाने के लिए जगह है, और यहाँ पर 1000 लीटर का टाकी बिठता है, क्योंकि यहाँ से लेकर जो बेडरूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम है वहाँ तक जो टाकी है, पानी का जो टाकी है, उसका कॉमन स्पेस है, तो आप बड़ा टाकी बिठा सकते हो। तो ये रहा हमने किचन देख लिया, बाहर जो हॉल से कनेक्टेड जो टॉयलेट बाथरूम देख लिया हमने जो कॉमन था। फिर आप हम लोग आएंगे बेडरूम, ये बेडरूम का दरवाज़ा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये रहा बेडरूम, बेडरूम के अंदर हमें मास्टर टॉयलेट मिलता है, मास्टर टॉयलेट मिलता है आपको, बाथरूम और टॉयलेट आपको दोनों मिल जाएगा बेडरूम के अंदर, आप देख सकते हैं। काफी स्पेस है, मेरे सर के ऊपर इतना जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लिश टॉयलेट जो भी है फिट होगा, और यहाँ पर ये स्पेस आपका रहेगा बाथरूम के लिए रहेगा। अभी इसमें काम बाकी है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका वीडियो आपको डाल दूंगा यहाँ पर। तो अभी हम लोग टॉयलेट बाथरूम से बाहर निकला, हम लोग आ गए बेडरूम में। रहा बेडरूम, बेडरूम में काफी अच्छा साइज अवेलेबल है, एक किंग साइज बेड इसमें आराम से आ जाएगा, और आपका अलमारी वगैरह इसमें आ जाएगा। बेडरूम में भी यहाँ पर गैलरी दिया गया है, ठीक है, और उसके पीछे का जो जगह है वो गार्डन के पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर, ओपन पार्किंग अवेलेबल है, और जो पार्किंग मतलब जो गाड़ी ऐसा ऊपर लगाते ना एक के ऊपर एक, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ठीक है, वो पार्किंग भी अवेलेबल है, वो पेएबल रहेगा, बाकी ओपन पार्किंग फ्री रहेगा। और कुछ भी जानकारी रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे, आप अगर मुझे हाई करोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो हमने देखा एक बेडरूम देखा हमने, और बेडरूम के अंदर मास्टर टॉयलेट देखा, और हमने किचन देखा, और हमने जो हॉल को लग के जो टॉयलेट है कॉमन टॉयलेट वो देखा। अब इसी हॉल को लग के दूसरा बेडरूम भी आता है, ये अभी हॉल में से हम लोग वापस हॉल में आ गए, तो आइए हम दूसरा बेडरूम में चलते हैं। ये रहा हमारा, जैसे हम दूसरा एरिया में आते हैं जो कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर हॉल से लग के कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा सामने किचन, इसका किचन थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, काम अभी फिलहाल बहुत बाकी है इसमें, इसको आप कंसीडर मत कीजिए कि ये पूरा कंप्लीट है करके। और मैं आपको शो फ्लैट भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। किचन मार्बल दोनों तरफ रहेगा यहाँ पर, इस तरफ छोटा मार्बल है मतलब एक मीडियम साइज का मार्बल लगा हुआ है, और अपना दूसरी तरफ बड़ा मार्बल है। किचन आपको टाइल्स करके दिया जाएगा पूरा ऊपर तक, और किचन में भी गैलरी है, ठीक है। अभी हमने देखा था यहाँ पर जो सेकंड वाले रूम में टॉयलेट बाथरूम देखा था, किचन देखा, अब हम लोग देखते हैं बेडरूम के अंदर आते हैं। तो बेडरूम के अंदर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर मास्टर टॉयलेट बाथरूम है, जिधर अभी फिलहाल काम चल रहा है, अभी ये कंप्लीट होना बाकी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेडरूम, ये बेडरूम का मास्टर टॉयलेट बाथरूम, ऊपर टाकी लगाने का जगह, वहां पर आपका अगला जो टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है, वो अगले टॉयलेट बाथरूम तक आप कॉमन टाकी लगा सकते हो, तो काफी आपका वाटर स्टोरेज हो जाएगा। और ये रहा बेडरूम, सेकंड बेडरूम, और यहाँ पर गैलरी, पीछे का एरिया पार्किंग और गार्डन वगैरह ये सब हो जाएगा। आइए अभी हम लोग हॉल में चलते हैं वापस। तो दोस्तों ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको कैसा लगा, मुझे आशा है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर जो फैमिली में प्यार है और जो लोग साथ में रहना चाहते हैं, वो वन बेडरूम हॉल किचन लेने के बदले में
ये कॉमन वन बेडरूम हॉल किचन है, दो वन बेडरूम हॉल किचन को कॉमन करके ले सकते हैं, जिसका एंट्रेंस यहाँ से होगा, ठीक है। तो जो पहला आएगा उनको पहला हम लोग प्रायोरिटी देंगे और उनका पहला बुकिंग लिया जाएगा, और जो बाद में आएंगे वो उनके वो टाइम में जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ उनको दिखाया जाएगा और वो उनको मिलेगा। तो इसलिए जल्दी कीजिए ताकि रेट बढ़ने से पहले आपका ये शानदार फ्लैट आपके लिए बुक हो जाए, आपके परिवार के लिए, और आपका जो सपना है साथ में रहने का वो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि समझो अगर आपको फैमिली के साथ नहीं लेना है फिर भी आप इंटरेस्टेड हो टू बेडरूम हॉल किचन लेने के लिए, तो ये टू बेडरूम हॉल किचन अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें आपको फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हर बेडरूम में मास्टर टॉयलेट रहेगा और हॉल के बाजू में भी टॉयलेट रहेगा दोनों तरफ। आप चाहे तो ऐसा भी ले सकते हो और आपको जो लिविंग एरिया है जो अपना हॉल है वो आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, जो शायद ये मेरे कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसका साइज वगैरह मैं आपको बाद में डाल दूंगा, जब मुझे आप मुझे हाई करोगे व्हाट्सएप पे तो इसका साइज मैं आपको डालूंगा। कम से कम मेरे ख्याल से 450 का हॉल है, 450 से लेकर 450 का स्क्वायर फीट का ये हॉल है, एटलीस्ट 400 का तो हॉल है, ये 400 स्क्वायर फीट अपना कार्पेट एरिया है हॉल का, कम से कम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मैंने बुकलेट अभी देखा नहीं हूँ तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप कैमरा में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये रहा, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एंट्रेंस कॉमन है तो इसलिए आप यहाँ पर एंट्रेंस में ऊपर अपना गेट लगा सकते हो और गेट लगा के इस एरिया को टोटली प्राइवेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऑक्यूपाई करके कुछ और भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ सूरज शर्मा और मैं आपसे अभी इस फ्लैट के लिए विदा लेना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरा फ्लैट दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना ना मत जाइए क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके प्यार के लिए और आपके सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय बाय।